जी भाई, आप कितना एक्साइटेड हो? ये आपका दूसरी बार है या पहली बार देखने आ रहे हो आप? ये मेरा पहले बार है, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अच्छा, कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कल की टूर्नामेंट डेडी का? कल की जो प्रभास आ रहा है उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप प्रभास के फ़ैन हो? हाँ, मैं प्रभास का फ़ैन हूँ। अच्छा जी, सही बात है फिर। अच्छा, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इसमें? नया तो देखने के बाद वो पता चलेगा, पर उसका जो ट्रेलर था बहुत अच्छा था इसलिए। अच्छा, ये पॉजिटिविटी, ये माहौल को देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा होगा और भी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होगा। हाँ, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, अच्छा भाई, आप कुछ बोल सकते हैं कितना एक्साइटेड हो? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बस देखने चले आए। अच्छा अच्छा, देखते हैं यहाँ पे, इन लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। भाई लोग, क्या रिएक्शन आप दे सकते हो, कितना एक्साइटेड हो आप फिल्म के लिए? बहुत एक्साइटेड है। पहली बार देखने आई हो, दूसरी बार, तीसरी बार? पहली बार है। अच्छा, आप दो तीन टाइम? तीसरी बार है, तीसरी बार है ये फिल्म? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, कल की ट्यून डेडी पहली बार है। अच्छा, आप पहली बार है, कितना एक्साइटेड हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो कल की ट्यून डेडी का? प्रभास के लिए। अच्छा, और ये जो यूनिकनेस है, ये मतलब कुछ अलग दुनिया, ये अलग टाइप का फिल्म है, इसके लिए नहीं है? इसके लिए भी हैं। अच्छा, आप प्रभास के फैन हो? अच्छा, वेरी गुड। सर, क्या आप अपना रिएक्शन दे सकते हो प्लीज? मूवी देखना बाकी है पहले। अच्छा, मूवी के ऊपर बिलीव है कि नहीं कि अच्छा रहेगा? समथिंग है कुछ? अच्छा, कुछ नया होगा है? हाँ, फिर से मैं आ गया हूँ आज देखने के लिए। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है हमारे यहाँ पे 12 बजे से 3D शो था, तो इसी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था, तो 2D शो मैंने देखा था, तो 3D शो आज देखने आ गया हूँ मैं। और सही मायने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ ये पॉजिटिविटी को देख कर, क्योंकि इतना पॉजिटिविटी जो बाहुबली 2 के टाइम पे देखने को मिला था, और उसके बाद से डार्लिंग प्रभास की फिल्म के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि वो हमेशा कुछ अलग ही लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों को पता है, मतलब ऑडियंस को कुछ अलग ही टेस्ट देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। इस बार जिस तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, एक एक मैं एग्जांपल के तौर पे सूरज कुमार यूट्यूबर के बारे में बताना चाहूँगा। वो सरकार के टाइम पे बहुत नेगेटिविटी कर रहे थे वो, मतलब इंस्टाग्राम पे फिर स्पेशल वीडियो बना करके। इस बार तो भाई इंस्टाग्राम पे भी 2-3 वीडियो छोड़ करके, मतलब जो लोग भी उसके वीडियो पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, फिल्म के खिलाफ जा रहे हैं, उसको भी वो काउंटर रिव्यू दे रहा है, मतलब कमाल है। ओके, इस तरह का पॉजिटिविटी, इस तरह का माहौल जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसके लिए फिल्म देखने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जा रहे हैं हम, और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है, और भी ज़्यादा कमाल का मतलब एक्साइटमेंट बढ़ रही है। ओके, तो आज तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिलहाल आज मैं, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट तो आया था एक रिव्यूअर के हिसाब से कि मैं पहले फिल्म देखूंगा, फिर रिव्यू करूंगा, ये करूंगा, क्रिटिसाइज करने के फिराक में था उस टाइम पे। लेकिन आज मैं बस एक ऑडियंस के हिसाब से आया हूँ फिल्म देखने के लिए, कि मुझे फिल्म देखना है, एंजॉय करना है, दैट्स इट। ओके, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था कि भाई इंटरवल तक देखना है, इंटरवल तक कैसा है फिल्म, वो सारा चीज़ देखना है। ओके, तो उसके साथ फिर रिव्यू करना था, ये सारा चीज़ था। लेकिन आज जो है, आज बस फिल्म देखना है, आज बस कर इंजॉय करना है। ओके, बहुत ही कमाल का है। और संडे का दिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, आप देख रहे होंगे बुक माई शो पे भाई 85K लास्ट 1 आवर का टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, 85K। ओके, 85K, समझ पा रहे हो ना, मॉर्निंग के शो के साथ ऐसा हो रहा है, तो सोचो जरा कि आज का कलेक्शन क्या होने वाला है। सैटरडे का कलेक्शन कल फाइनल का मेज था, लेकिन फिर भी 67 करोड़ तक। ओके, 67 करोड़ तक, मतलब फाइनल मैच था, फिर भी 67 करोड़ तक भी छापा है हमारे इंडिया नेट कलेक्शन, तो गजब है यार। इस तरह का माहौल देख करके दिल भर आ रहा है सच में, और भी ज़्यादा कमाल का लग रहा है सीरियसली। मेरी तरह आज कौन कौन आए हो फिल्म देखने के लिए, ज़रूर कमेंट करना। हमारे बर्गर से अगर कोई हो तो रुक्मणी टॉकीज में हूँ, आओ मीटअप भी करते हैं, मज़ा आएगा। ओके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। और आज की डेट के लिए मैं बहुत हूँ, क्योंकि 3D शो मेरा बहुत मन था पर मैं देख नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था, रिव्यू देना था, इसी वजह से। तो आज एक ऑडियंस के हिसाब से आए हैं, बस फिल्म में एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ओके ओके गाइस, आज कौन कौन आए हो, मतलब किसका ये दूसरी बार है, तीसरी बार है, मतलब कौन रिपीट वैल्यू पे देख रहे हो, वो लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय कल की 2 एंड 9 डिग्री।